तो हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे लैपटॉप की स्क्रीन की सेटिंग के बारे में। अगर आप कंप्यूटर एक्सपर्ट हो तो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन की सेटिंग के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा ये फोल्डर्स हैं, इन्हें फोल्डर बोलते हैं। आपको एकदम नीचे दिख रहा होगा ये टास्क बार है और ये स्टार्ट बटन है और ये हमारा सर्च बार है। इसमें कुछ भी सर्च करके ओपन कर सकते हैं और हम जो फोल्डर ओपन करेंगे यहाँ पर शो होगा। इसके बाद राइट कॉर्नर में दिख रहा होगा डेट टाइम, यहाँ से हम डेट टाइम चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, स्पीकर का वॉल्यूम तेज कम कर सकते हैं। इसके बाद हमें अपने स्क्रीन पर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा लार्ज आइकन। लार्ज आइकन पर क्लिक करते ही हमारे फोल्डर लार्ज में हो जाएंगे। फिर मीडियम पर क्लिक करना होगा, फिर मीडियम आइकन पर क्लिक करना होगा, हम बार फिर मीडियम में हो जाएंगे। फिर मीडियम पर क्लिक करना होगा, फिर स्मॉल आइकन पर क्लिक करते ही हमारा फोल्डर स्मॉल साइज में हो जाएगा। फिर हमें ऑटो अरेंज आइकन पर क्लिक करके आइकन को अरेंज कर सकते हैं। फिर हम अलाइन आइकन टू ग्रिड पर क्लिक करके आइकन पर ग्रिड कर सकते हैं। फिर हम जाके शो डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक करके फोल्डर को हाइड कर सकते हैं। फिर हमें अपने माउस पर राइट क्लिक करके फिर हमें सॉर्ट बाय में जाकर नेम वाइज, साइज वाइज, टाइप वाइज, डेट मॉडिफाई सब से कर सकते हैं। अगर हमें रिफ्रेश करना हो तो यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है पेस्ट। पेस्ट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, पहले हमें किसी वर्ड को कट करना होगा तब यह पेस्ट का ऑप्शन हाईलाइट होगा। तो सबसे पहले हम किसी वर्ड को कट कर दे रहे हैं। पहले हम किसी डॉक्यूमेंट पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कट ऑप्शन दिख रहा है। कट ऑप्शन क्लिक करने के बाद फिर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद वही फोल्डर यहाँ पर पेस्ट हो गया। पेस्ट शॉर्टकट से हम कंट्रोल वी से भी पेस्ट कर सकते हैं। फिर हमारा अगला ऑप्शन है न्यू। न्यू से हम नया फोल्डर बना सकते हैं। फिर हम इसमें किसी भी डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। फिर हम किसी को यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर अगला ऑप्शन है डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग जाकर हम ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन है पर्सनलाइज। पर्सनलाइज पर क्लिक करके हम बैकग्राउंड का पिक्चर चेंज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।